फ्रेंड, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीवाई बी कॉम सेमेस्टर 6 स्टूडेंट के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कर रहे हैं अप्रैल 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर है, प्रीवियस ईयर में आया था, तो उसी पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि पेपर कैसे आते हैं। बिलीव मी, इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर बहुत ही ईजी था, बोले तो चिंदी पेपर था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3A को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये पेपर को भी बहुत इजी है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A है, मिस्टर आलोक और रजिस्टर डीलर इन महाराष्ट्र। मिस्टर आलोक जो है वो रजिस्टर डीलर है महाराष्ट्र के। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, कैलकुलेट द नेट लाइबिलिटी अंडर द GST एक्ट। ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, IGST जो दी गई है 75,000 रुपीज है, CGST जो है 10,000 रुपीज है, SGST जो है 10,000 रुपीज है, पर्टिकुलर रुपीज। सोल्ड गुड टू प्रदीप इन मैसूर कर्नाटका, जो कि 1,50,000 है। सोल्ड गुड टू मिसेस अनिल एंड कंपनी इन पुणे महाराष्ट्र, 2,00,000 दिया गया है। परचेस गुड फ्रॉम विनोद एंड को कंपनी फ्रॉम सांगली महाराष्ट्र, 60,000 दिया है। सर्विस अवेल फ्रॉम कंसल्टेंसी फर्म इन सूरत गुजरात, ये दिया है 1,00,000 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, कि जो परचेस गुड फ्रॉम जयंत एंड कंपनी फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव 50,000। आपको नोट दिया गया है, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST, मतलब जितने भी अमाउंट दिए गए हैं वो टोटली GST में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूसिव है। रेट ऑफ IGST तो दिया है 12% है, SGST जो है 9% है, CGST जो है 9% है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन मैचिंग है क्वेश्चन नंबर 2 से, बट फिर भी इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आज के लेक्चर में जानेंगे। तो गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि हर एक नीडेड स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आलोक लिखना है, बिकॉज कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था, जो कि कहा गया था कि कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी अंडर द GST एक्ट। तो इसलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आलोक इस तरीके से करना होगा। देन पर्टिकुलर CGST, SGST, IGST भी करना होगा, बिकॉज कि आपको यहाँ पे परसेंटेज प्रोवाइड किया गया है, जो कि है 12% IGST और 9% SGST और CGST इज 9%। दैट्स व्हाई CGST, SGST एंड IGST करना है। टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई मतलब कि जैसे कि सोल्ड किया जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला है सोल्ड गुड टू प्रदीप इन मैसूर, मतलब कि मैसूर में जो प्रदीप है उसको मैसूर में गुड सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, 1,50,000 का बेचा जा रहा है, जो कि कर्नाटका में मैसूर है, ठीक है। तो ये सोल्ड किया जा रहा है, दैट्स वाई, और वो भी स्टेट के, ये मैसूर कर्नाटका में है, इसलिए सोल्ड किया जा रहा है, मतलब सप्लाई हो रहा है माल, ठीक है, आउटवर्ड है, इसलिए 1,50,000। अब अगर ऐसी चीजें, तो जो 12% हमारा IGST है वो लगेगा यहाँ पे, बिकॉज कि कर्नाटका में मैसूर है, तो इसलिए 12% IGST लगेगा, ठीक है। तो इसलिए 1,50,000 का 12% करेंगे तो 18,000 आएगा। यहाँ पे नील, यहाँ पे भी नील होगा, बिकॉज कि SGST, CGST बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, CGST भी नहीं लगेगा, SGST भी नहीं लगेगा, सिर्फ IGST लगेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, यहाँ पे बोला गया है कि सोल्ड गुड टू मिसेस अनिल एंड कंपनी इन पुणे, पुणे में भेजा गया है, जो कि महाराष्ट्र में है, 2,00,000 का बेचा गया है सामान, आउटवर्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे 2,00,000 SGST लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, यहाँ पे CGST भी लगेगा, दैट्स वाई 2,00,000 इंटू 9%, जो कि CGST है 18,000 आएगा 2,00,000 का, और SGST 2,00,000 का 18,000 आएगा, और IGST यहाँ पे नील हो जाएगा,
इसको निकाला तो यहाँ पे 18,000 है, यहाँ पे भी 18,000 आएगा, यहाँ पे भी 18,000, टोटल किया तो 18,000 ये टोटल अमाउंट पेबल हो जाएगा, ठीक है। देन लेस करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, इनपुट में मतलब कि जो आप परचेस कर रहे हो उस वो देखा जाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में कितना क्या है वो देखेंगे हम। उससे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या आ रही है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको IGST का 75,000 है, CGST का 10,000 और 10,000 SGST का, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो दैट्स वाई ये जो ओपनिंग बैलेंस है पहले आप इसको लिखो, CGST में 10,000, SGST में, और इधर 75,000 जो दिया गया है ओपनिंग बैलेंस लिख दो। ओपनिंग बैलेंस लेस होगा, दैट्स वाई यहाँ पे लेस का, देखो कोई भी चीज लेस होती है ना तो उसको हम ऐसे ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। देन ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई हो रहा है ITC, ITC इनवर्ड सप्लाई जो हो रहा है उसका यहाँ पे बोला गया है। तो इनवर्ड सप्लाई क्या क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। परचेज गुड फ्रॉम विनोद एंड कंपनी फ्रॉम सांगली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक कंपनी है, महाराष्ट्र में एक जिला है जो कि सांगली है, वहां पे कंपनी है विनोद की, जिस विनोद ने क्या किया परचेज किया है वहां से खरीदा है विनोद ने, तो इसलिए यहाँ पे 60,000 अमाउंट है जो कि खरीदा गया है। अब कोई चीज खरीदी जाती है लेकिन वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है और महाराष्ट्र में है, तो दैट्स वाई जो कि 9% अपना CGST लगेगा और SGST भी 9% लगेगा, मतलब कि 60,000 का 9% 5,400, 60,000 का 9,000 5,400 स्टेट का और सेंट्रल का लगेगा, ठीक है। IGST बिल्कुल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे नील, ये सांगली का हो गया, फ्रॉम सांगली। नेक्स्ट है जो कि है, और ये भी लेस होगा। देन नेक्स्ट है हमारा अमाउंट जो कि बोला गया है सांगली, देखो यहाँ पे जिला था, ठीक है। सर्विस अवेल फ्रॉम कंसल्टेंसी फॉर्म इन सूरत, सूरत में कंसल्टेंसी की फॉर्म है, गुजरात में जो आता है, सूरत कैपिटल है ना वो, तो इसलिए 1 लाख है यहाँ पे इसका अमाउंट। अब इसका IGST लगेगा, IGST का 12% है, यू नो कि 12% है, इसलिए सूरत में, दैट्स वाई ये IGST 12% लगेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगेगा, SGST, CGST, SGST बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ IGST लगेगा 12,000, 12%, 1 लाख का 12%, 12,000 इधर आ जाएगा अमाउंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज कि गुजरात की जो यहाँ पे कैपिटल सूरत है, ठीक है, राजधानी है, और गुजरात का यहाँ पे कैपिटल सूरत है, और यहाँ पे जिला था जस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से सीन है। तो IGST यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे सिर्फ लगेगा बिकॉज कि यहाँ पे एक फॉर्म है, ओके, कंसल्टेंसी फॉर्म है, दैट्स वाई। नेक्स्ट जो यहाँ पे नील आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो वो है, एक लास्ट रह गया है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला गया है परचेस गुड फ्रॉम जयंत एंड कंपनी फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव, इसलिए ये वाला बिल्कुल भी नो नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव, ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कि ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज नो टैक्स इनवॉइस रिसीव बोला गया है, इसलिए ये 50,000 टोटली इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो अमाउंट था हमारा 18,000, इसमें से माइनस करो 10,000, देन माइनस करो 5,400, तो कितना बचा 2,600। 18,000 में अगेन इनको माइनस करो तो 2,600 बच रहा है, 18,000 में 75,000 माइनस करने का, 12,000 माइनस करने का, तो 69,000 मिलेगा जो कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। देन आप क्या करोगे इसमें, नेट टैक्सेबल आपका ये जो अमाउंट है इसको हम नेट टैक्सेबल बोलते हैं। देन लेस करना है IGST, एडजस्ट अगेन CGST, और SGST का जो एडजस्ट करना है,
अगेंस्ट आईजीएसटी, तो इसलिए 22,600 का नेगेटिव यहाँ पे लेंगे यहाँ पे भी, और ये नेगेटिव था ना इसलिए इसको पॉजिटिव में कर। अब यहाँ पे 5,200 आएगा कैसे, तो यहाँ पे जो 5,200 है वो कैसे आया, तो 2,600 जो कि यहाँ पे एज इट इज लिखना है हमें, आईजीएसटी एडजस्ट करना है, दैट्स वाई अगेंस्ट सीजीएसटी आईजीएसटी, दैट्स वाई 2,600 एज इट इज लिखना है और 2,600 एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड करो तो 2,600 प्लस 2,600 किया तो 5,200 आ गया, ठीक है। अब पहले तो इनको 18,000 में माइनस किया, 75,000 उससे माइनस किया ये, तो ये दोनों ऑलरेडी माइनस में थे, देन 69,000 हमें आंसर मिला नेगेटिव में, और यहाँ पे है 55,200 जो कि इन दोनों को ऐड किया तो 5,200 आया, ठीक है। अब क्या करना है, 69,000 में 5,200 माइनस करो तो आपको मिलेगा 63,800, ओके। इसे हम बैलेंस पेएबल एंड एट कैरिड फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। ITC ऑन गुड्स परचेज फॉर विच नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिवाइज इज नॉट अलाउ, तो इस तरीके से इस सम को हमने किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।